Hello students, good morning to all. I am Shivam Arora from Fundu Tutor. So students, आज हमारा क्या काम है? आज हमारा काम है कि हमने dimensional correctness of physical relation prove करने हैं. मतलब हमारे को physical equations दी होंगी, physical relation दिए होंगे और हम लोगों ने क्या इसमें prove करना है? ये dimensionally क्या है? Correct है. ये dimensionally क्या है? Correct है. So, पुराना वीडियो देख लिया, अच्छी तरह से सब कुछ पढ़ लिया. अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पुरानी वीडियो देख के आओ. इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना ज्यादा ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री कंटेंट. इसका कोई चार्ज आपके पास नहीं है, तो बेटा मेला लगा है, लूट सकते हो तो लूट लो. जितना आपको कंटेंट चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे. और जिन बच्चों ने लिखना है वो जरूर लिखो, और जो कुछ आलसी बच्चे हैं तो वो क्या करें, उनके लिए एक और हल है कि ये टेलीग्राम चैनल मैंने दे रखा है नीचे, यहाँ इसको जाके सब्सक्राइब कर लो. और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो इस टॉपिक की मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी. ठीक है. तो आज बच्चा हम लोग करेक्टनेस के बारे में डील करने जा रहे हैं कि करेक्टनेस का मतलब क्या है. करेक्टनेस का इसमें मतलब होता है कि एक इक्वेशन है, जैसे उसमें दो साइड होती है एज यूजल, एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है. एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है. और जो राइट हैंड साइड के डिमेंशन फॉर्मूला अगर लेफ्ट हैंड साइड के डिमेंशन फॉर्मूला के बराबर में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो डिमेंशनली क्या है, करेक्ट है. और अगर नहीं आए हैं तो वो डिमेंशनली करेक्ट नहीं है. इसमें एक और चीज बच्चे की, दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर एड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मींस दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला. उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है बेटा? सेम है. उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है. तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है उसी बेस के ऊपर जो मैंने अभी आपको बात कर रहा था आप लोगों से. तो क्या है बच्चे इसमें, देखो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी. वो बोल रहा है कि हमारे पास एक डिस्टेंस है x, ठीक है, और कितने टाइम में, टी टाइम में जो है बॉडी मूव कर रही है. उसका इनिशियल पोजिशन कितना है? एक्स नॉट है. और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वी नॉट है. और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? ए. और ये इक्वेशन को प्रूव कर दो ये डायमेंशनली करेक्ट है. कर देते हैं भाई, मालिक बंदे हो, करना पड़ेगा. तो x is equal to x naught plus b naught t plus 1 by 2 at square. ये देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. x is equal to x minus x naught is equal to v naught t 1 by 2 at square. तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लगा ली. लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? x माइनस एक्स नॉट. लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? x माइनस एक्स नॉट. तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं जब वो क्या हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो. उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो? सेम हो. तो मतलब इन दोनों के डायमेंशन डिस्टेंस है दोनों, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? एल रहेगा. इसको क्या रहेगा? एल रहेगा. अब बारी आ रही है राइट हैंड साइड की. अब बारी किसकी आ रही है? राइट हैंड साइड की. राइट हैंड साइड में क्या है? बी नॉट टी प्लस 1 by 2 at square. ठीक है, क्या है? at square. तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, इन दो क्वांटिटीज को, ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है ना, और ये दो क्वांटिटीज जो ऐड हो रही हैं इनको आपने अलग अलग सॉल्व करना है और डायमेंशनली प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के. तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा? वी नॉट टी. पहली इक्वेशन क्या है? वी नॉट टी. तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस 1. और टाइम का क्या है? टी. तो उसका आ गया 1. ठीक है, बेसिस सेम, पावर एडिट कर दिया तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एल. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? एल आ गया. इधर रख दो हाफ ए टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस 2. एल टी माइनस 2. और टाइम का क्या है? टी स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर हो गया. तो बेसिस सेम, पावर एडिड तो फिर से कट गया. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ गया भाई? इसका भी आ गया एल.
कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास जो तीनों डायमेंशनल फॉर्मूलेज आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एक और राइट हैंड साइड के दो, वो क्या हैं? दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? अब इसको बड़ा हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कैसे। देखो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वेयर, कितनी है? हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हाफ तो हमको पता बेटा ये कॉन्स्टेंट है, और मास क्या है? एम। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम। और ये वी स्क्वायर है, वेलोसिटी का क्या रहता है हमारे पास बेटा? वेलोसिटी का हमारे पास क्या रहता है? एल टी माइनस वन। और वेलोसिटी का क्या हमारे पास? स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा? एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू। तो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है बच्चों? राइट हैंड साइड में हमारे पास है एम जी एच। पहले मास का पकड़ो, क्या आ गया? एम। ग्रेविटी का क्या है? एल टी माइनस टू। और लेंथ का कितना है? एल। लेंथ का कितना है? एल। तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू। तो हमारे पास इसके डिमेंशनल फॉर्मूला जो है दोनों साइड के बराबर में आ गए। तो एल एच एस किसके बराबर में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। में आ गया आर एच एस के बराबर। किसके आ गया? आर एच एस के जो है वो बराबर में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे बच्चे हम लोग। और चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। सबसे पहले तो ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम बनी हुई है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इधर क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इधर क्या आ गया? एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है? फोर्स का साथ में क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या है? एल। तो इधर क्या आ गया? एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू। तो बेटा ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर में थी? ये क्या थी हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली। तो थे हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हाफ तो कॉन्स्टेंट है, तो मास का क्या आ गया बेटा? इधर मास का आ गया एम, और वेलोसिटी का क्या आ गया? एल टी माइनस वन का होल स्क्वेयर। तो यहां पर क्या आ गया? एम वन एल टू टी माइनस टू, एल वन एम वन एल टू टी माइनस टू। तो और दूसरे वाला कौन सा है? हाफ एम यू स्क्वेयर, हाफ एम यू स्क्वेयर। तो हाफ तो कॉन्स्टेंट है, तो इधर क्या आ गया? एम एल यू का कितना आ गया? एल टी माइनस वन उसका स्क्वेयर था, तो आ गया इधर एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन एल टू टी माइनस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर में आ गया? राइट हैंड साइड के। किसके बराबर में आ गया? राइट हैंड साइड के। मतलब ये भी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ये भी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो देखो कितना इजी टॉपिक है यार, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, और डायमेंशनल फॉर्मूले को बेसिक सेम पावर एडिट करके ऐड कर दो, और सीधा ही आपके पास जो है वो जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डील करने जा रहे हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, वेयर टाउ क्या है? टॉर्क है। हमारे पास आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हमारे पास जो एल्फा है वो क्या है? एंगुलर एक्सलरेशन है। क्या है? एंगुलर एक्सलरेशन। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? उसको क्या लिखते हैं?
होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्टेंस का क्या था एल, डिस्टेंस का क्या था, डिस्टेंस का एल। तो यहाँ क्या आ गया, एम वन एल टू टी माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, एम वन एल टू टी माइनस टू। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में क्या था, इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सलरेशन, इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सलरेशन। तो बच्चे सबसे पहले क्या करो यार, सबसे पहले इनर्शिया का निकालो, वो क्या होता था, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो क्या आ गया, एम एल टू, कितना आ गया, एम एल टू, एम एल टू। उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा है बेटा एंगुलर एक्सलरेशन, और वो क्या होता है, एंगुलर एक्सलरेशन होती है एंगल अपॉन टी स्क्वायर। तो एंगल तो होता ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और टी का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू, क्या आ जाएगा, माइनस टू। तो देख लीजिए यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला लगाइए, क्या बनेगा पूरे का पूरा, ये बन जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, और राइट हैंड साइड बेटा जी किसके बराबर में आ रही है, अरे बोलो, सो गया ये समा, सो गई है रातें, उठ जाओ भाई उठ जाओ, नी 2023 सोचो, क्या सोचना है, नीट 2023। मैंने पहले भी बोला था सपने वो नहीं है, थोड़ी सी शायराना अंदाज कर लेते हैं यार, सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। तो अपने सपनों को जगाओ और खुद भी जगो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट बेटे मेरे पास आ रहा है लैम्डा, लेस्ट मेरे पास आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। और ये डी ब्रोगली का इक्वेशन होता है बेसिकली, केमिस्ट्री में पढ़ा भी है आप लोगों ने, एच अपॉन पी होता है, क्या होता है, एच अपॉन पी होता है मोमेंटम। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, लैम्डा, लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया, लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल हो गया। और इसके बाद आ गया एच अपॉन पी, मतलब प्लैंक कांस्टेंट अपॉन, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, एम वन एल टू टी माइनस वन, मोमेंटम का क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो एम वन एल वन टी माइनस वन। तो क्या करेंगे भाई, टी वन से टी माइनस वन से टी माइनस वन कट गया, एम वन से एम वन कट गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एल, क्या आ गया एल। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर में होती है भाई जान, होती है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, किसके बराबर में होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट क्या है कि वी इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एम बाई आर, टू जी एम बाई आर। सबसे पहले स्केलिंग कर लो ताकि जो रूट खत्म हो जाए, तो इधर आ जाएगा टू जी एम बाई आर। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले देखेंगे, ये था वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का आता है एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्या आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। उसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, जी एम बाई आर है ना, जी एम बाई आर है ना, तो क्या किया जाएगा भाई, देखिए जरा, जी एम बाई आर है तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाओगे, डिमेंशन फॉर्मूला जी का, जी का डिमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और साथ में क्या था एम, तो यहाँ पर साथ में क्या लगा दो बेटा, एम लगा दो, ठीक है। और नीचे क्या था आर, नीचे क्या था आर, उसका क्या आ गया एल, उसका क्या आ गया बेटा एल आ गया, ठीक है। एक एल के साथ एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ पर वन था, एम के साथ माइनस वन कैंसिल हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बच गया यहाँ पे,
अच्छा फॉर्मूला बच गया, L2T-2 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद हमारे पास है बेटा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो इसको मैं पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो गया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, क्या हो गया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सबसे पहले तो एनर्जी का लगा दो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और एनर्जी का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, ठीक है। तो उसके बाद आएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है भाईजान, तो क्या आ जाएगा इधर M1, और वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी का होता है LT-1, उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा वहां पर M1 L2 T-2, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर में है, अरे बोलो तो नहीं गए, अरे नीट 2023 जागो। चलो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर में आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर में आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो एनर्जी का डिमेंशनल फॉर्मूला है, जो हमारे पास एनर्जी का डिमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर में आ रहा है बेटा, MC स्क्वायर, मतलब दोनों के डिमेंशन फॉर्मूले जो हैं वो करेक्ट हैं, क्या हैं करेक्ट हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे अगला कौन सा है, P इज इक्वल टू रूट ऑफ प्रेशर अपॉन डेंसिटी, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है ना, तो आ जाएगा L T L² T-2, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्रेशर अपॉन डेंसिटी है, तो व्हाट इज द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, M1 L-1 T-2 / M L-3, क्या होता है M L-3, क्या होता है बेटा M L-3 होता है। तो क्या किया जाएगा, M के साथ एक M कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला जो L होगा ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, L-1 T-2 / क्या बच गया, क्या बच गया L, और नीचे क्या बच गया आपके पास M L-3, क्या बच गया M L-3। तो क्या होएगा, अब क्या करेंगे, इसको 3 को ऊपर ले जाओ, ध्यान से लेके जाना, गिर ना जाए, ठीक है, ऊपर जाएगा तो बेसिस सेम पावर एट 8, तो यहाँ पर क्या आ गया L2 T-2, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड के क्या हो गई, बराबर में आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर में आ गई, क्लियर है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो बोल सकते हो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है T इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है T इज इक्वल टू, T इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ LG। सबसे पहले दोनों साइड का स्केयर करो, जो भी रूट वाली टर्म आए ना स्केयर कर लिया करो यार, टाइम का तो हमको पता ही है क्या होगा टी स्केयर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया टी स्केयर। अब दोनों साइड स्केयर हो गए, 2π तो वैसे ही कॉन्स्टेंट था, तो राइट हैंड साइड पर तो सीधा ही लगाएंगे हम लोग, अब या यहाँ पर आ जाएगा L/G, इसका हो गया L और इसका हो गया L T-2, L के साथ L कट गया, -2 ऊपर रेसिप्रोकल हो गया, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में आ गई है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में आ गई है। और ये चौथा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है, ये बेटा मैंने आपको होमवर्क देना है, सभी बच्चों ने ये वाली चीज जो है वो होमवर्क में करके आनी है, ठीक है, ये सभी इसका इसको डिमेंशनली प्रूव करना है, अगर आपका ये डिमेंशनली प्रूव नहीं होगा, अगर ये आपका डायमेंशनली प्रूव नहीं होगा इक्वल टू, तो मैं मुझको कमेंट कर देना वीडियो के ऊपर, और मैं इसको भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। पर मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ट्राई जरूर करना, ठीक
फिजिक्स में ट्राई करना बहुत जरूरी होता है, फिजिक्स में ट्राई करना बहुत जरूरी रहता है मेरे भाइयों, समझ रहे हो? तो ट्राई जरूर करो, कॉपी पेन निकाल के। आलसी जो है वो टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, ये है। आगे चलते, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कि बाय द मेथड ऑफ द डायमेंशंस द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन इज दिस, वेयर जो सिग्मा है वो डिप्रेशन है, पर मिडल ऑफ द बार के ऊपर एल और बी हमारे पास ब्रेथ है, एल हमारे पास लेंथ है, बी हमारे पास ब्रेथ है, डी हमारे पास सॉरी बी हमारे पास ब्रेथ है और डी हमारे पास डेप्थ है, ठीक है। व्हाट इज व्हेन इट्स लोड इन द मिडल ऑफ द मास एम एंड व्हाई इज द यंग मॉडुलस ऑफ द बार, ठीक है। तो इसको भी डायमेंशनल ही करेक्ट करना है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन का मतलब होता है उसका साइज कम हो रहा है, मतलब उसका डिमेंशनल फॉर्मूला एल आर, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का बात करेंगे हम लोग, अगर हम राइट हैंड साइड का बात करेंगे तो इधर क्या था, एम जी एल क्यूब 4 डी क्यूब बी, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला लगाने हैं, ठीक है। इसका आ गया एम, ग्रेविटी का आ गया एल टी माइनस टू, लेंथ का आ गया एल क्यूब, और एक साथ में नीचे क्या लगा हुआ है, फोर है वो कांस्टेंट है। डेप्थ का आ गया आपके पास, डेप्थ का इधर क्या आ गया बेटा आपके पास एल क्यूब, ब्रेथ का क्या आ गया यहाँ पे एल, और यंग मॉडुलस का क्या हो रहता है बेटा, यंग मॉडुलस का जिसको डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं ना आते तो वो सबसे पहले पहली नंबर वीडियो देख ले यार, बड़ा बढ़िया वीडियो मैंने बना रखा है, हर डायमेंशन फॉर्मूला जो है मैंने डिटेल में करा के रखा है, बहुत बढ़िया मटेरियल, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है, तो रेगुलरली चैनल पे रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एल क्यूब से बेटा एल क्यूब काट देंगे, एम के साथ एम काट देंगे, एक एल के साथ ये एल कट गया, टी माइनस टू के साथ टी माइनस टू कट गया, और ये बच गया माइनस वन, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में आ गई है, किसके बराबर में आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर में आ गई है, राइट हैंड साइड के बराबर में निकल आई है प्यारे बच्चों। तो देखने में क्वेश्चन बहुत भयानक लगते हैं पर होते बड़े इजी हैं। तो नेक्स्ट करेंगे ये देखो, एफ इज इक्वल टू ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर, तो एफ तो फोर्स है, एक्स तो हमारे पास डिस्टेंस है, टी हमारे पास टाइम है, और वो भाईजान बोल रहे हैं कि ए और अपॉन बी का डायमेंशन निकाल के बताइए। तो मैंने बोला हुआ है स्टार्टिंग में कि जो प्लस हो रहे हैं ना उनके डायमेंशन आपस में हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उसके डायमेंशन हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। चलो शुरू करते हैं, तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, बेसिकली देखिए हमारे पास एफ किसके बराबर में होगा, फिर अकेला सबसे पहले रूट ऑफ एक्स किसके बराबर में होगा, रूट ऑफ एक्स, हमने ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले, वो आ जाएगा एफ अपॉन रूट एक्स, एफ अपॉन रूट एक्स, तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस टू, और डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स का क्या हो गया l 1/2, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, m1 l t माइनस l 1/2 और t माइनस टू। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहा है बेटा, अब हमको ये वाला तो हमने एफ के विद रिस्पेक्ट टू प्रूव कर लिया, ए का डिपेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, अब बी का निकालो, तो एफ किसके बराबर में है, बी टी स्क्वेयर के बराबर में है, तो यहाँ से बी किसके बराबर में आएगा, एफ अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है। और बी क्या आ गया एफ, एफ का वैल्यू कितना है, m1 l1 t माइनस टू अपॉन टी टू, ठीक है जी। तो क्या आ गया है m1 l1 t माइनस टू, तो बेटा अब क्या किया जाएगा ध्यान से देखियो, ये ऊपर जाएगा तो बी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, m1 l1 टी माइनस फोर, m1 l1 टी माइनस फोर, ए बाई बी का रेशियो निकालो, और ए बाई बी का रेशियो जैसे निकालोगे तो
के साथ ये एम कैंसिल हो जाएगा, ये माय ऊपर जाएगा, +4 बन जाएगा, ये हमारे पास -2 पहले ही था, तो यहाँ पर टी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास टी का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर 1/2 था, इधर 1 था, तो 1/2 -1 हो जाएगा। पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला एल -1/2 t² और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इसमें कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकालना था, ए बाई बी का रेशियो निकालना था। ए बाई बी का रेशियो आपके सामने, ए बाई बी का रेशियो क्या है आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, तो वो है ए क्रॉस बी निकालो, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को गिवन करेंगे। ये वाला जो है हमको एक इक्वेशन गिवन करा है, जिसमें p पावर है, x डिस्टेंस है, और t क्या है टाइम है, समझ गए। तो दो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपस में प्लस या माइनस होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं, b किसके बराबर में आ गया, x के बराबर में आ गया, x क्या था डिस्टेंस था, तो वो क्या बन गया एल स्क्वेयर बन गया, क्या बन गया एल स्क्वेयर बन गया, बी इज इक्वल टू एल स्क्वेयर आ गया। ठीक है, हमने ए क्रॉस बी निकालना था ना, तो क्या होएगा p b-x² की जगह पर क्या आ जाएगा एल स्क्वेयर आ जाएगा, और नीचे क्या था a इंटू टाइम। ठीक है, तो a इंटू टाइम का हम लोग जो हैबिटाइज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, अब क्या बच रहा है, हमने निकालना है a, तो a किसके बराबर में है l अपॉन p/t, P क्या है पावर और T क्या है बेटा टाइम, तो यहां पर आ गया एल स्क्वेयर P का m L2 P-3 और T का क्या था टाइम। एल स्क्वेयर के साथ एल स्क्वेयर क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया बेटा m-1 m-1, और ये क्या था बेसिस सेम पावर एडिट, तो यहाँ पर -2 और ऊपर जाएगा तो +2, तो ये आ गया दिस m-1 t² और हम लोगों ने क्या निकालना है a क्रॉस b निकालना है, तो a क्या था m-1 t² और b कितना था l2, तो a क्रॉस b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया m-1 l2 t². ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी भी निकला है। सो आज इतने हमने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं बेटा मेरे, तो हमारे इस चैनल में आपको लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस और हर रोज एक फिजिक्स का वीडियो मिलेगा, और आपका केमिस्ट्री और बायो का जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द अपलोडेड होने वाले हैं बच्चों। सो किंजल मैम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय जवान जय।